अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोमिन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की मेरी रेमेडी है गर्दन वाइट करने का तरीका। मैं इसमें आपको बताऊंगी गर्दन के गिर्द जो स्याही होती है, कालापन होता है, वो कैसे दूर किया जाता है, आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। आपको इस रेमेडी के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसानी से जो आपके घर पर दस्तयाब हो, वही चीज़ें इस रेमेडी में इस्तेमाल होनी है। सबसे पहले आपको चाहिए बेसन। बेसन आपके रंग को निखारने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपकी स्किन की जो कालापन होता है उसे दूर करता है। ये हमारी स्किन का एंटी ब्लीचिंग प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, इस रेमेडी में मैंने 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी। 2 चुटकी मैं इसमें हल्दी ऐड करूंगी। हल्दी हमारी स्किन को बहुत बहुत फ़ायदा देती है। हल्दी हमारी स्किन के सारे पिंपल्स रिमूव करती है, ब्लैक हेड्स रिमूव करती है और हमारे कलर को फेयर करती है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद अब हमें चाहिए मिल्क। ये मैंने कच्चा दूध लिया है। ये हमारी स्किन को फेयर करेगा और हमारी स्किन पर जितने भी मैल कुचैल है, कालापन है, उसे दूर करेगा। दूध डालने से हमारी रेमेडी बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारा कालापन स्किन का सारा दूर हो जाएगा। आपने इतना मिल्क इसमें ऐड करना है कि हमारी एक अच्छी सी थिक सी पेस्ट बन जाए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि फेस पैक बहुत अच्छा बन जाए। ये आप बॉडी के किसी भी पार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको कालापन दूर करना है। अंडर आर्म्स पे, अंडर लेग्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्बोस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन बहुत ही जल्द दिनों में ब्राइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी पेस्ट रेडी है। इस तरह से ये मास्क रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने स्किन को साफ करके, वॉश करके, ड्राई करके आपने स्किन पर अप्लाई कर लेना है। मैं अप्लाई करके भी आपको दिखा देती हूँ। हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। आपने 15 से 20 मिनट जिस भी पार्ट पे आप लगा रहे हैं लगे रहने देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इस तरह से रब करना है। रब करके आपने धो लेना है। 1 वीक के इस्तेमाल से आपका कालापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप ये डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल रेमेडी है, इसमें कोई साइड इफेक्ट या कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल हुआ, इसलिए आप ये डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको इस रेमेडी का रिजल्ट दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे वॉश कर लूंगी। दोस्तों, ये मैंने वॉश कर लिया है, रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।